ऐसा कोई मौका नहीं आया भाई, अगर रही हूं तो मैं अपनी उस तरह रही होंगी, मेरे में कुछ कमी होगी, अच्छा अगर करांगे तो ईसा ही करांगे, मतलब कि जिस तरह सीधा नाम आवे के या लेनी जरूरी है, वरना नू किसी तो सिफारिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। बहुत बिल्कुल अपनी बेस्ट फ्रेंड कौन है, मतलब कबड्डी जगत में कह दे, मतलब जो से अपने घर लग के आने जाने गुड फ्रेंड पक्के पक्के हर हो जाता और भाई के है। है नू लगन होगी थी, अगर ये छोरी कर सके तो मैं भी कर सकूंगी, तो नू जी कर गया था कि मैं भी कुछ करते दिखाऊंगी, मतलब खुद जुनून आ गया था। तो गोल्डन गर्ल कह सका अपन हीरो दैयन है, हाँ वीआईपी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मधु जागलन की राम राम भाई। जज्जर डिस्ट्रिक्ट के बिरधाना गांव में फिलहाल मौजूद हाँ, और छोटी बेबे है नीरू दैया, कबड्डी की सुपरस्टार, जूनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट, और गुरुकुल में प्रैक्टिस करी है भाई इसकी, जानांगे इसकी लाइफ का बारे में, कुकर के शुरुआत करी थी कबड्डी में। सबसे पहले मैं राम 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 भाई। ठीक हो। अच्छा कबड्डी की शुरुआत मतलब कब और किसने देख के करी थी, कुकर इंटरेस्ट बने कबड्डी में? भाई पहले तो गांव में खेला करती छोरी स्कूल में, हाँ तो फिर उन्हें देख कर मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी खेलने जाऊं, मम्मी तो पूछी कि खत भी जाऊं, बोली देख ले, मैं चली गई। पहले हाँ खो खो खेला करते, हाँ फिर खो खो खेलने लगी, थोड़े दिन खेला, फिर ये और छोरी कबड्डी खेला करती, तो वह नहीं उसमें स्पैट की गेम आया करते हाँ पहले, हाँ तो उसमें वह जीत का आई थी, तो सरान उनको ट्रॉफी दी, फिर मेरे भी नू आया, मन्ने भी मिलनी थी ट्रॉफी, फिर हाँ मन उनके देख कर फिर मैंने भी स्पैट में भाग लिया, अगली गेड़ी हुई जब, हाँ फिर हम भी जीत का आए, फिर हमने भी मिली ट्रॉफी। अच्छा अपना गुरु कौन है? मेरा गुरु तो सुरेश दैया सर है, जो हाँ मतलब मेरे गांव के हैं, उन्हें हाँ शुरू करवाया मतलब था। आंगली आंगली पकड़ के उसे थी कदम हाँ होते फिर गुरु गुरुकुल में भी उन्हें छोड़े थे, शाम सात छोरी रह गई थी, पहले तो बहुत थी, पर मतलब कि सहसज करके नू ही छुटता गया, किसी की शादी होगी, किसी का कुछ रीजन हो गया, तो फिर हम सहसज करके सराना साथ रह गए, तो गुरुकुल में छोड़ दिए सारे, उनने देख रखा था गुरुकुल, वो पूजा दीदी है वहां की मराने की, हाँ उन्हें छोड़ आए थे, तो उनने वह जब देखा था उन्हें गुरुकुल, फिर हमने दिखा ला एक बार घर के, तो बात करके हम सारे वहां पर छोड़ दिए, फिर सहसज करके कामयाब हो गए सारे। अच्छा सात छोरी कौन सी थी उनके नाम बताओ। मैं अंतिम, सिमरन, पूजा और भावना, सुनेना, मनीषा, ये अच्छा थे। इनमें तो कहें कामयाब होगी, कहें व्याधि, कहें कुआरी है, कहें नौकरी पे है? नौकरी पे तो हम तीन लागी, अंतिम मैं और सिमरन, कौन सी में तो रेलवे में होगी। मैं रेलवे में, अंतिम भी रेलवे में, हाँ और सिमरन आईटीबीपी, अरियन जो सी चेयर थी। ये चार में कुछ की शादी होगी, कुछ हाँ करना है, अच्छा छोड़ मतलब देंगे। जो कर कबड्डी में अपन पहला खो खो में शुरुआत करी थी, पढ़ाई लिखाई तो बचन के मारे करी थी, मतलब पढ़ाई लिखाई में किसे ना थे? बस नू लगन होगी थी, अगर ये छोरी कर सके तो मैं भी कर सकूंगी, तो नू जी कर गया था कि मैं भी कुछ करते दिखाऊंगी, मतलब खुद जुनून आ गया था अच्छा देख कर। हाँ फिर और छोरी खेल लगा करती कबड्डी, उन्हें देख कर अब मैं भी जान लगी, फिर सर तो बात करी, वहां सर मैं भी कबड्डी खेलूंगी, बोला खेल ले, 3-4 दिन तो बाहर बैठे रहे, देखे गए, फिर अगले दिन से सर सुनते दिया। अच्छा कितने के जो करे, मतलब आपने कबड्डी की शुरुआत करी थी? जब तो मैं 8वीं क्लास में थी जब शुरुआत करी थी, हाँ फिर सर ने स्कूल खोल लिया था हमारे खातरे हाँ के, हमने मतलब वहां पर पढ़ाई करनी पड़े थी ज्यादा, हाँ और फिर सर ने बोले कि तुम मैं स्कूल खोलू थारे खातर, हमारे खातरे खोले था, जब तक 10-12 छोरी थी, अच्छा स्पेशल हमारे खातर स्कूल खोल लिया गांव में, फिर मतलब कि स्कूल चल रहा भी था सही, हमारे पे गेम पर ज्यादा ध्यान दिया था सर ने, तो फिर उस सर के स्कूल में पढ़े थे 2 साल, फिर सर ने गुरुआ छोड़ दिए थे गुप्पू में। अच्छा मतलब खो खो की मतलब फिटनेस का गेम था, खो खो तो छोड़ने कुकर को बीच अरे करी नू खेला करते खो खो, टाइम नू पास ना था, कर। हाँ बस नू ज्यादा वो टीम ना थी अच्छी, बस वो खेला करते हाँ मस्ती में, सब खेला करते, तो हम चले जाते देखकर, फिर बाद में मैंने देखा कि साइड में भी कबड्डी खेल रहे हैं, हाँ तो फिर मैंने जब देखा था मेरे जो फ्रेंड थी वह भी कबड्डी खेला करती, मेरी क्लासमेट थी वह भी, तो उन्हें देखता आई थी। बिल्कुल। अच्छा कि नेशनल उसने कितनी खेली, पहली नेशनल कौन सी खेली थी और कौन सा सन में खेली थी, कितनी एज थी उस टाइम? पहली नेशनल तो मैंने 2016 में खेली थी, और वो जो उसमें थर्ड पोजीशन आई थी वहां थी पाइक आया करती, पहले जो हाँ उसकी जगह पे खेलना शुरू कर दी, हाँ वह खेली थी, एज तो कितनी होगी ध्यान नहीं भाई, कौन सी क्लास में थे उस टाइम? उस टाइम पे 9th में थी शायद। अच्छा मतलब नेशनल में मेडल आया था अपना स्टेट हाँ में। ना ना वहां पे थर्ड आए थे स्टेट में, फिर हुआ था मेरा सिलेक्शन, फिर वहां पर नेशनल में भी थर्ड आए थे, गुजरात हुई थी। अच्छा कबड्डी में मतलब न्यू देखने मिले कदे लाइव में भाई, पैरस की उस्तर रहेगी मैं उड़ाकड़िया की बात करा। ना ऐसा कोई मौका नहीं आया भाई, अगर रही हूं तो मैं अपनी उस तरह रही होंगी, मेरे में कुछ कमी होगी, अच्छा अगर करांगे तो ईसा ही करांगे, मतलब कि जिस तरह सीधा नाम आवे के या लेनी जरूरी है, वरना नू किसी तो सिफारिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। बहुत सारे लोग ने भी कबड्डी में स्पैरस चल रहे हैं।
भाई वो तो सब कुछ चल रहा है, पर वो तो अपनी बात अपने दम पर रहो तो फिर किसी की जरूरत ना पड़े ना, यह बात। अच्छा गुरुकुल में जब गए, गुरुकुल का एक मतलब अलग है, वो लेवल है ना, उड़ा फोन रख सकते ना, उस चार दीवारी से बाहर निकल सकते, उड़ा जी कुकर लग गया, मतलब कितने दिन तंगी आई भाई। फोन तो मैड भी ना रखा करते घर में भी थे, जब भी फोन ना रखा करते, नौकरी लागे पास फोन लिया था। पहले तो फोन का कुछ वो ना था, लालच ना था, कुछ चले गए, फिर सब बालक बस मैं सोच लिया था, मैंने तो घर कैन छोड़ दिए, कितना पैसा लावेंगे नु करेंगे तो कुछ करके दिखाना है, बस नुए जनून रहा करता कि घर कैन कुछ करके दिखाना है, इतनी दूर छोड़ दे हाँ, विश्वास तो छोड़ दे हाँ, इतने पैसे लाए हैं, और कुछ दिमाग आए ना करती। हम तो रात में भी बैठ कर यही बात सोचा करते, क्यों करके करना है, क्यों कर टीम बनानी है, क्यों कर खेलना है, मतलब इससे बारे में बात करा। अच्छा गुरुकुल में भी नहीं सुने भाई, जूनियर सीनियर का शायद तो मौका देगा, जिसकी ज्यादा धन हो गए, मतलब ज्यादा मौका को नहीं दे, कितने केस चाहिए इसमें ना, इसी कोई बात नहीं है। पहले मुझे कोई नया बच्चा उसने खिला कर भी देखा है, बढ़िया डाल कौन सा बढ़िया खेला है, हम भी गए थे, हम खिला कर देखे थे, हम साथ गए थे, साथ में हम खिला कर देखे, जो सी बढ़िया खेली उसने, मतलब जो उसमें सीनियर में करते गए, जो जूनियर के लायक थे जूनियर में करते गए, फिर जो बढ़िया खेला हुआ है ना, जब जो बढ़िया खेलने लग जाए ना तो मैच लागू आपस में जूनियर सीनियर के, जो बढ़िया खेला अगली गेड़ी उसमें सीनियर में करते हैं। अच्छा। बस गेम का सबका गेम देखा नहीं उनके, किसी ने मौका नहीं देते, मौका सबने दे रहे हैं। अच्छा जूनियर नेशनल कितनी खेल लिया अपना? जूनियर दो, दो जूनियर हरियाणा का, के पोजिशन है उसमें? दोनों में गोल्ड, गोल्ड है, मतलब फिर जॉब के संपर्क कुक करो। जब तो मैं एक के खेली थी शायद जूनियर, वो उससे तो फार्म भर रहे थे, 18 की होगी थी, फार्म लिख रहे थे, जज आके लिख रहे थे, सारे भर दिए थे, फिर ट्रायल इससे की थी नॉर्दर्न रेलवे की। अच्छा ट्रायल में कौन थे, कितने के, किस गला ट्रायल थी? 15 छोरी थी हम शायद, हाँ, 10 शायद 15 छोरी थी। कहाँ भर्ती हुई थी? मैं दो भर्ती हुई थी, मैं और एक हिमांशी, मतलब ये भाई प्रॉपर एक रेडर लेना, एक कॉर्नर लेना, ऑलराउंडर मांग रखे थे उन्हें दोनों। तो फिर बस नुए था जो, मतलब कि ऑलराउंडर को ही साथ, जो उन्हें ठीक लगे वो ले लिया, जिसके अच्छी ट्रायल हुई। फिर ही मानसी रेडर थी, मैं डिफेंसर थी। अच्छा न्यूज सुनी है मैंने, जॉब में भी बहुत सारे पीछे मांगा, 10-10, 12-12 लाख रुपए मांगा है, अपना लग गया कि कुछ नहीं भाई मांग, तो मार पे तो कुछ नहीं मांगे ना मार पे, मतलब हम तो बस नुए लाग रहे अपने गेम पे, ना रुपये दिए ना कुछ किसी ने मांगे। हाँ अच्छा रेलवे में भर्ती हुआ पता है, मतलब अपना गेम कुछ डाउन है क्या, क्या कारण है? बस प्रैक्टिस छूट गई भाई, और ड्यूटी पर ज्यादा जोर है, पहले ट्रेनिंग पे चले गए, फिर नुए ड्यूटी पर चले जाते, आकर टाइम कम मिलता, ये सीरियस होंगे प्रैक्टिस। अच्छा गुरुकुल में अपनी प्रैक्टिस कौन कराया करता? गुरुकुल में राज सर थे, और वो दिलीप अंकल थे, और वो डांडा अंकल, 4-5 सर है वह करवा। अच्छा बढ़िया करा प्रैक्टिस। हाँ बढ़िया करा, मतलब नहीं उतना समझे भाई, भेदभाव करे है? ना ना भेदभाव का कोई काम नहीं। अच्छा अंकल और का मतलब कितना का अपना लाइफ में हुआ भाई आशीर्वाद? बहुत ज्यादा आशीर्वाद होने की बदौलत है जो आज नौकरी मिल रही है, मतलब ये गुरुकुल में जाओ जो करता मैं जॉब लग गया पाछा है, न्यू देखा भाई भेदभाव करे है, या मतलब ये भी आजा बेटा सेट ना, कोई भेदभाव नहीं, कत्ती नु ये प्यार तो बोला है आज, वो मतलब बहुत रिस्पेक्ट करा, हम जावा जब भी आराम ढूंढ के बहुत रिस्पेक्ट करा। अच्छा गुरुकुल में मतलब डाइट किस लेवल की है? ये मैंने पहला कुछ दिन पहला वीडियो बनाई थी भाई, बहुत बढ़िया, इसमें सच्चाई है? बढ़िया भाई, बढ़िया है, अपने घर से ही बढ़िया डाइट है। अरे मतलब इसमें सच्चाई है भाई, फोन को नहीं रखने देंगे, चार दीवारी तो बाहर को निकलने देंगे? हाँ यह बात है, फोन नहीं रखने देते, अलाउड ही नहीं फोन, ना चार दीवारी तो बाहर निकलने देते, अरे वो छुट्टी लेने भी उनके घर के आओगे, कार्ड बनेंगे तीना के, वही ले जा सके ना, कोई मिल सकता, और इसका अलग रूल बहुत टाइट है वैसे गुरुकुल के। अच्छा गुरुकुल में मतलब कौन से गेम है? कुकर जुकर जो कबड्डी प्ले एडमिशन लेना चाहे मतलब 10वीं 12वीं में, या मतलब वो देखा भाई नंबर होने चाहिए, एक परसेंटेज पर लग गया कुछ और ना? वो तो जो जाकर पहले पेपर ले हुए हैं, फिर मतलब अगर कबड्डी के तो उड़ा जब सामने प्रैक्टिस हो उस टाइम पे दिखा दे, मैं कर तो दिखा दो प्रैक्टिस हो तो देख ले मैं कितने लेवल का, छोटे बच्चे भी आओ तो बड़े भी आओ, कबड्डी के कॉलेज के भी आओ, 10वीं 12वीं के सारी क्लास तक के आओ बालक, तो वो तो उड़ा गेम देख ले मैं, जब प्रैक्टिस हो गया जिस हिसाब का होगा उस हिसाब तो उस टीम में कर देंगे, उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बिल्कुल। अच्छा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कितनी होगी, मतलब स्कूली नेशनल में जाएगा, टोटल कितने हो गए अपने नेशनल? हाँ नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्कूली वगैरह सारे 15 खेले, 15 हो गए। मेडल कितने कितने? मेडल तो सारा में है, 2 M है, 1 M सेकंड है, और 2 M थर्ड, बाकी गोल्ड, बाकी गोल्ड, मतलब गोल्डन गर्ल कह सका अपन हीरो दैयान है। अच्छा हाइट वेट कितना अपना फिलहाल मौका पर? तो हाइट तो 5-6 है शायद, और वेट 62। अच्छा अपनी मतलब इसी को कौन सी स्किल दी भाई जो आप परफेक्ट करेगा? अपनी आंख भी मिचरी हो नहीं, एक बार पड़ जाए तो पड़े गया शुरू में, मतलब जब जूनियर नेशनल खेल गए थे आप उस टाइम पे तो मैं अंकल खाया करती ज्यादा बढ़िया। हाँ अच्छा मतलब जो पहली नेशनल खेले गुरुकुल के, मैं बहुत सारे नेशनल में गए थे आपके साथ,
कौन से चेहरे थे पहले नेशनल उसमें तो हम फेल देखे नहीं थे गुरुकुल में तो पहली बार तो मैं और विशाल दीदी गए थे गुरुकुल तो दो गए थे एक अंधू गई थी अंधुल हाँ अच्छा गुरुकुल में अपनी बेस्ट फ्रेंड कौन है मतलब कबड्डी जगह में कह दिया मतलब जो से अपने घर लग के आने जाने गुड फ्रेंड कौन से कौन से वाला के है अरे और बुरा मानने गए तेरा गांव वाली रही ये तो मेरी दोस्त है बात तो बहुत अच्छी अच्छा दिल की है अच्छा फैमिली में कौन कौन है अपना फैमिली मम्मी पापा भाई बाबू और मैं अच्छा सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करे करता फैमिली में मन है मेरी मम्मी और भाई अच्छा मतलब जो अपनी फैमिली थी किस लेवल की थी के माड़ा टाइम देखे गरीब भी थे मतलब भगवान की ज्यादा सर्वदा बढ़िया जुगाड़ है भाई ठीक है अपने रोटी मिल जाए दोनों टाइम की तो बढ़िया है हाँ सोच तो के है और जो भगवान करे जिक्र करे तो ठीक है बिल्कुल अच्छा ये मतलब जो मिल गए कितने के कुछ है दिक्कत आवे ड्यूटी करने में गेम पे छोड़ रखे है ड्यूटी करनी पड़ा है ड्यूटी तो करनी पड़े जब उसे गेम आवे तो स्पेयर कर देवे है तो प्रैक्टिस चालू हो जावे फिर बीच में फिर रुक जावे है तो ये तो फिर मैं कुछ हो जाए पर प्रैक्टिस चालू रखूंगी ड्यूटी भी करूंगी प्रैक्टिस भी अच्छा प्रैक्टिस करे करो जो जिम ज्यादा करे कर दे रनिंग ज्यादा या ग्राउंड तो ज्यादा टाइम रहे करते जिम तो इब लागे पाछे ज्यादा करी है ना पहले तो कभी जिम में नहीं करी हमने बस वह प्रैक्टिस की फिटनेस कराया करते कि फिर मैट की प्रैक्टिस अच्छा गुरुकुल में कितना थोड़ी प्रैक्टिस करा है मतलब गुरुकुल में भाई कबड्डी की तो फोटो ऊपर पा जाऊंगी और गेम की भी है किसी में 30 किसी में 40 किसी में 50 किसी में 20 किसी में अच्छा गुरुकुल का एक रोल सुने भाई बहुत सारे टूर्नामेंट जो मैट हो जो हम खेल लेंगे गर्म मिट्टी पे खेलना पसंद नहीं करते वो तो जो कर हम पहले थे ना जब मिट्टी पे कराया करते ज्यादा प्रैक्टिस इब मिट्टी की छूट भी है तो मैट पे करें तो एकदम मैट पे मिट्टी पे खेला ना जाता ना तो मिट्टी पे तो मैट पे खेला जावा है तो यह दिक्कत आओ अगर वो मिट्टी पे करते हो तो मना ना करें तो मैट पे करा प्रैक्टिस ज्यादा दिक्कत आ रही थी ना। अच्छा जब गुरुकुल में गए थे मतलब एक साल का अपना कितना के खर्चा आए करता एडमिशन का खर्चा जब तो भाई ध्यान नहीं कितना आया ऐसा आएगा था 50-55 हजार रुपये साल का पर सर वो थे अंकल जो कर सबकी सिचुएशन देख के वो करवा दिया करते मेरी तो माफ करवाया करते अच्छा हाँ मतलब जो एक किस्त माफ करवा देते दो किस्त माफ ना घर की सिचुएशन देख ले ऐसा नहीं है कि कोई मेडल लिया होगा जब माफ कराओगे किसी की घर की सिचुएशन कुछ ज्यादा लो तो करवा देना है मेरी तो शुरू से माफ करवाते आए थे अच्छा एक किस्त दो किस्त जितनी मतलब कि उन्हें ठीक लगा करके करवा दिया था। अच्छा लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा बेस्ट मैच भाई मतलब इसमें मैंने सबका मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया मैच यू है यू तो मेरा ध्यान नहीं भाई जूनियर नेशनल का इंडिया नेशनल का जिसमें बढ़िया कैच मारी हो या मतलब आप किस मैच जीते हो या गोल्डन रेड पाया गोल्डन रेड पे कैच मारे पांच पांच रेड डम पाया उसमें कैच मारी हो मेरा ध्यान को नहीं कोई होगा अच्छा एक मैच में कितनी कैच मारी हुई है तकरीबन जब पहला जूनियर नेशनल की बात करा इंडिया नेशनल की बात करा भाई मैच में 5-6 कैच भी लग जाते एक आधा ऐसा मैच भी चला जाता जिसमें 1-2 कैच भी ना लगती और जब तक पहले तो थोड़े टाइट हो खेला गया जब तक पूजा टीम आई थी इतना बर्डन ना पड़ा पूजा जितवाई जाती मैच एक आधी एक दो कैच मार देते और जब तक पूजा जाए पास थोड़ा नू रहा है टाइट होगा खेलना पड़ेगा नू होगा खेलना पड़ेगा क्योंकि पूजा खेलो इंडिया में भी अंडर 21 में चली गई थी हम 17 में थे पूजा तक अच्छा तो फिर उसमें वो तो हम टाइट होकर खेल लिया करते पूजा थी जब भी अरुण भी पर जब कम कैच मारा करते पूजा चली जाती जब नू टाइट हो जाते कि और भी कैच मारने चलेंगे। अच्छा कम्बिनेशन किस गले बैठे कर रहा जोकर कॉर्नर टू कॉर्नर की बात करा क्योंकि कवर का मतलब लड़कियां का गेम है बहुत कम हो पावे है मेरा अंतिम कराया करता हम शुरू थे लेफ्ट कॉर्नर खेला करते मैं राइट हम गांव में शुरू तो वो खेलते गए गुरुकुल में भी हम दोनों इकट्ठे खेले और आगे नेशनल जितने खेले हम दोनों इकट्ठे खेले उस गेला एक कॉर्नर खेले मतलब कदे से भी अड़ाई था ना मतलब तेरा एक का सिलेक्शन हो गया अंतिम को हो गया तेरा हो गया अगर भाई याद जाओगे जब मैं जाऊंगी नहीं हमारी दोनों की टाल है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ दोनों में जाए करते तकरीबन हाँ दोनों में जाए करते ज्यादातर सारे नेशनल हम दोनों गए एक आधे में जो फर्स्ट जूनियर था उसमें अंतिम हुई थी मेरा कट गया था उसमें जब मुस्कान दीदी थी राइट कॉर्नर पे चले गए थे फिर दूसरी बार वह उनकी एज होगी थी तो फिर मैं गई। अच्छा डाइट प्लान की है पूरा दिन का मतलब एक स्पोर्ट्समैन है के खाना चाहिए भाई मन तो चाहे कुछ मिल जाए मैं तो वो खा लूं। अच्छा मतलब ऐसा कुछ नहीं भाई प्रोटीन वगैरह या अंडा बंडा प्रोटीन प्रोटीन तो मैंने कभी लिए नहीं ना मैं कभी लिया करती। अच्छा अरे मतलब और जे तेरी सुन के लेने लगे प्रोटीन फिर ये मैं जब लेती नहीं और क्यों लेंगे नहीं मतलब छुपावा तुम बात ना प्रोटीन गुरकुला है देखो भी यूज करा है कोई ना लेता गुरुकुल में तो कोई नहीं एक आधी छोरी जिसका वेट कम है किसी ने कह दी होगी तो एक आधी पाऊंगी सोया मगर कोई 10 छोरी पाऊंगी बस 90 बना प्रोटीन के। अच्छा तारा सेट था जो मतलब उस लग जितनी भी टूर्नामेंट खेले करे तकरीबन गोल्ड आए करता यूनिवर्सिटी की बात करा ऑल इंडिया की बात करा या मतलब जूनियर नेशनल की बात करा
गायब हो रही है टीम में, मतलब बहुत कम है। सारी फिर अलग अलग कोई कितने लागी कोई कितने लागी, तो टीम तो पार्टी की नापस में, तो फिर वहां एक टीम तो रही ना, तो किसी में किसी चीज की कमी हो रही, किसी में किसी चीज की कमी हो रही सीमा में, तो इस वजह से तो वो दिक्कत आ रही है। अच्छा मतलब अपने बेस्ट प्लेयर कौन से, एक रेडर एक कैचर की बात कर, लड़कियां में मैंने बेस्ट रेडर का देता है पूजा, और कैचर कैचर तो मैं खुद हूं। अच्छा मतलब तेरे तो बढ़िया था ना, कोई कौन लगता अपने भरोसा रखते ने। अच्छा फिर मतलब तेरी दोस्त पूजा थवाड़ा की बात करा, नौकरी क्यों नहीं पकड़ रही, मतलब इतने मेडल लाए गए इसने गेम में भी गोल्ड दुआ दिया। भाई पकड़ेगी वो नौकरी, उसने ट्राई करने लग रही है, मतलब जो सी भी उसने पसंद मतलब ठीक लगेगी वाले होगी, ट्राई चल रही है उसकी, ले लेगा थोड़े दिन में। अच्छा अच्छा तेरी दोस्त की खूबी अरे कमी बताओ, मतलब ये इसमें खूबी है ये इसमें कमी है, तन्ना लागे तो कमी तो कुछ है नहीं। हाँ खूबी के है, खूबी सारी खूबी है। अच्छा एक भी कमी कौन है, सारी खूबी है, खूबी है। हाँ। देख मेरे खातर तो कमी है कौन है, ओरा खातर होगी तो पड़ी रहेगी, मैंने उस तक मतलब मेरे खातर तो कमी कौन है ना, तो ओरा खातर तो होगी, तो मैं क्या बताऊँ मेरे खातर तो कमी है नहीं। अच्छा फिर नॉर्दर्न रेलवे की भी मतलब ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलो, गुरुकुल की टीम में खेल गया बढ़िया मजा आएगा, या मतलब नॉर्दर्न रेलवे की टीम में खेल के मजा आवे। भाई वो तो दोनों हम खेल के बढ़िया लगा, जो से मापा बढ़िया खेल कर दिखाओगे वो ही बढ़िया हो जाएगा, अपन बढ़िया खेल कर दिखाना तो अपनी टीम फिर बढ़िया हो जाएगी भाई, खेलने तो मतलब होना चाहिए ना, वो टीम में वो थोड़ी होगा कि कौन सी बढ़िया खेल का मजा आवा है, अपना गेम दिखाओ सारे की तरह तो फिर बढ़िया आएगा। अच्छा नॉर्दर्न रेलवे मतलब कौन से चेहरे जो अपने सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो सारे करे हैं भाई, मतलब कि मैं जूनियर हूँ सब सारे सपोर्ट करे, बहुत अच्छे तरह रखे हैं, बहुत अच्छे तरह समझावे हैं, तो ईसा कोई नहीं के जो सपोर्ट ना करता, सब सपोर्ट करे। अच्छा मतलब ईसा भी हो को मैं तुम्हें तेरे पे गलती होगी तेरी तैर गई और फिर सारा छो तेरे पे तैर दियो ना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनको समझाऊंगी आ कह के यार गलती थी आड़ नू करना था, अगली गेड़ी सुधार करिए इसमें नू करिए, तो देख सारे कुछ समझाया करे, पर ऐसा कोई वो नहीं के मेरे पे वो कर दे, मैं इसे कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा जो मतलब नई लड़की है आप लोग का ना मोटिवेट हो गया कबड्डी माना चाहे है, करियर है या नहीं शिमला में, है भाई करियर तो, अगर जो मेहनत करेगा उस खातिर सब कुछ है, जो नहीं करेगा उस खातिर कुछ भी नहीं है, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, भगवान सब कुछ देवे है, सब कुछ कर्म का हुआ है, अगर हम करेंगे तो जरूर मिलेगा। इब के एशियाड खेल का इसमें भी तो 3-3 करोड़ रुपए दिए, अगर हम आगे की सोच रखेंगे तो पैसे की तो कमी आने नहीं दे भगवान, और फिर ऊपर तक नौकरी मिलेगी, बस सब कुछ करने के ऊपर है, अगर हम कुछ करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो भाई नीरू दैया अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, हरिया शर्मा हुआ ज्यादा थोड़ी फिर कराएगा कदन कदम इंटरव्यू, वीडियो ने शेयर कर दियो, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।